हेलो क्लास 10, नाउ वी आर स्टार्टिंग अ सेशन 3, शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। अभी स्प्रेडशीट को शेयर करना, शेयर करने का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र उस डॉक्यूमेंट को, उस स्प्रेडशीट को वर्किंग में ला सकते हैं। जैसे एक एक डॉक्यूमेंट पे एक से ज़्यादा यूज़र्स काम करेंगे, है ना। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस सेशन में? यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे कोलैबोरेशन के लिए, सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर अ शेयरिंग, शेयरिंग के लिए स्प्रेडशीट में क्या सेटिंग करना होगा, ओपनिंग अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट, शेयर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना होगा, सेविंग अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना होगा, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट, रिकॉर्डिंग जो भी चेंजेस है उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे, एंड मर्जिंग अ डॉक्यूमेंट एंड कंपेयर चेंजेस। तो इंट्रोडक्शन है आपका। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम शेयर कर रहे थे या किसी भी डॉक्यूमेंट, सॉरी शेयर नहीं, हम अपने स्प्रेडशीट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लिंक कर रहे थे, एक ही वर्कशीट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स को लिंक कर रहे थे, एक्सटर्नल डेटा को, एक्सटर्नल फाइल को हम लिंक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को या अपने वर्कशीट को हम यहाँ पे शेयर करेंगे, जिससे कि शेयरिंग से मल्टीपल यूज़र उसमें वर्क कर पाएंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस क्लास एंड अर्लियर सेशंस यू हैव लर्न टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद ह्यूज डेटा एंड और डिफरेंट लोकेशन, अब बात आती है डिफरेंट लोकेशन की, कि अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है और एक ही वर्कशीट पे काम करना है तो कैसे करेंगे। देन देयर माइट बी अ केस वेयर द मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, मल्टीपल यूजर सेम डॉक्यूमेंट पे वर्क कर पाएंगे बाई यूजिंग द शेयरिंग ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग कंपनी इज़ लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स आस्किंग वेरियस करेस्पॉन्डेंट टू रिकॉर्ड यूजर्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वेरियस सिटीज। नाउ इफ द रिस्पॉन्सेज आर बींग रिकॉर्डेड इन द सेम फाइल, अगर एक ही फाइल में किसी के रिस्पॉन्स अगर स्टोर है, देन इट मीन्स द फाइल इज बींग शेयर्ड अमंग मल्टीपल पीपल्स, मतलब उनके रिव्यू जो है एक ही फाइल में लिखे जा रहे हैं, हालांकि वो पीपल अलग अलग प्लेस पर बैठे हुए हैं, है ना, एंड हु आर रिकॉर्डेड द रिस्पॉन्सेज। टू कैटर द सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड द यूजर्स ऑफ सेम फाइल बाई मल्टीपल यूजर्स, सेम ही फाइल, एक ही फाइल मल्टीपल यूजर्स के साथ में शेयर हो रही है। ओपन ऑफिस कैलॉग ऑफर्स शेयरिंग रिव्यूइंग फीचर्स फॉर इट्स स्प्रेडशीट एंड दैट इज वॉट वी शॉल बी डिस्कसिंग इन द सेशन। नाउ फर्स्ट ऑप्शन आपका है, या फर्स्ट फीचर जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि उसको एक इसमें कोलैबोरेट करना या मल्टीपल लोगों को एक साथ जोड़ना, है ना। मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम डॉक्यूमेंट आर सेट टू कोलैबोरेट, है ना। कोलैबोरेट का मतलब क्या है कि मल्टीपल यूजर अगर सेम डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, इसको हम कोलैबोरेशन कहेंगे। हाउएवर, बिफोर सच कोलैबोरेशन कैन हैपन इन ओपन ऑफिस, द यूजर्स हैव टू रजिस्टर फॉर कोलैबोरेशन। लेकिन इसके पहले, सबको पहले क्या करना पड़ेगा कि उस कोलैबोरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी स्टेप हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, हम टूल्स मेनू में जाके ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, है ना। सो क्लिक द टूल्स एंड ऑप्शन, ये क्या होगा, ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। सो इट विल ओपन द ऑप्शन डायलॉग, इन द डायलॉग क्लिक द कैटेगरी। अब इसमें से आपको क्या क्लिक करना है, कैटेगरी क्लिक करना है, ओपन ऑफिस में जाके यूज़र डेटा को सिलेक्ट करना है। ये देखेंगे, टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद में ऑप्शंस, ऑप्शंस में ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आया, डायलॉग बॉक्स में से ओपन ऑफिस में से आपने यहाँ पे चूज़ किया यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा का आप यहाँ पे देखेंगे ये राइट साइड में पैन में आपका डिटेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको सब डिटेल डालनी होगी, कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है आपको डालना होगा, और ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद शेयरिंग कैसे करेंगे, सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। अब शेयरिंग के लिए क्या सेटिंग करनी होगी, है ना। शेयरिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन मल्टीपल यूजर्स कैन व्यू, एडिट, रिव्यू द चेंजेस मेड इन अ डॉक्यूमेंट।
शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स उसको व्यू कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें रिव्यू लिख सकते हैं, रिव्यू द चेंजेस मेड इन अ डॉक्यूमेंट। टू सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग विद अदर्स यू नीड टू डू द फॉलोइंग। अब दूसरों के साथ में आपको शेयर करना है, मल्टीपल यूजर्स के साथ में शेयर करना है, तो आपको क्या करना होगा, ओपन द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट टू बी शेयर। पहले उस स्प्रेडशीट को आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको टूल मेनू में जाके, टूल्स में जाके आपको शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, है ना, सिलेक्ट करना। ये देखिए टूल्स, टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट। अब जैसे आप शेयर डॉक्यूमेंट करेंगे आपके सामने ये शेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जिससे कि एनेबलिंग हो जाएगी, शेयर द स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स। एनेबल किया, एनेबल करने के बाद में आपने ओके कर देना है, यहाँ पे नीचे ओके का बटन है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो पॉइंट नंबर टू हमारा यही कह रहा है, क्लिक द कमांड टूल शेयर डॉक्यूमेंट, इट विल एक्टिवेट द कोलैबोरेशन फीचर फॉर दिस डॉक्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज द शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल ओपन, शेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। हियर चूज, अब यही पॉइंट, इसको सिलेक्ट करना है, क्यों सिलेक्ट करना है, हियर चूज टू एनेबल शेयरिंग बाय क्लिकिंग ऑन द चेकबॉक्स ऑप्शन शेयर दिस स्प्रेडशीट विद द अदर यूजर्स। इफ चेकबॉक्स इज टिक्ड इट मीन्स शेयरिंग इज एनेबल, मतलब आप शेयरिंग कर सकते हैं, एनेबल है। एंड इफ क्लियर इट मीन्स द शेयरिंग इज डिसेबल फॉर दिस स्प्रेडशीट। इस अगर आपने ये सिलेक्ट किया मतलब अभी शेयरिंग आप कर सकते हैं, एनेबल हो गई है शेयरिंग आपकी। उसके बाद में इट विल आस्क यू टू सेव अ स्प्रेडशीट फर्स्ट टू एक्टिव शेयर मोड एंड क्लिक यस टू कंटिन्यू। फिर यस पे आपको क्लिक करना है जिससे कंटिन्यू होगा। उसके बाद में वंस सेव द वर्ड शेयर इज ऑफन शोन ऑन द टाइटल बार आफ्टर द डॉक्यूमेंट टाइटल। ये देखिए आपने इसको शेयर्ड के लिए सेट कर लिया, सेव कर लिया, तो ये देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ये शेयर्ड है, ये आपको लिख के आ रहा है, द वर्ड शेयर्ड इज शोन ऑन द टाइटल बार फॉर द शेयर्ड डॉक्यूमेंट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट शेयर्ड होता है ये इससे आइडेंटिफाई होता है, वहाँ पे आपके टाइटल बार में शेयर्ड लिख के आता है ना। उसके बाद में ओपनिंग अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट, अब शेयर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाए, सो इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे अदर डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं उसी तरीके से इसको ओपन किया जाता है। फाइल मेनू में जाके ओपन पे क्लिक करना होता है या फिर कंट्रोल प्लस वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको कई सारे फीचर्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो देखेंगे कौन से। ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट इज सिमिलर टू वे यू ओपन द अदर डॉक्यूमेंट्स, सेम वे में होता है जैसे आप अदर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग कमांड फाइल एंड ओपन और प्रेसिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ। ये ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंट इन शेयर्ड मोड। शेयर्ड मोड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाय द फीचर्स, है ना। द सम फीचर्स और कमांड्स ऑफ अ कैल्क आर नॉट अवेलेबल, है ना, कुछ फीचर्स या कुछ कमांड्स जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती कब, शेयर डॉक्यूमेंट के टाइम, एंड द कैल्क डिस्प्ले अ मैसेज अबाउट द सेम। तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, है ना, तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, ओके करना होता है ना। यू कैन चूज टू डिसेबल दिस मैसेज फॉर द फीचर आफ्टर क्लिकिंग ओके, दिस द डॉक्यूमेंट इज ओपन इन अ शेयर्ड मोड। फिर ये जो डॉक्यूमेंट है आपका शेयर्ड मोड में ओपन हो जाता है। द फॉलोइंग फीचर्स आर नोन टू डिसेबल इन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। ये जो होते हैं ये ऑप्शन जो आपके सामने नीचे दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन जो शेयर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, एनेबल्ड नहीं होते, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी डिसेबल हो जाएंगी वाइल वी आर यूजिंग अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट।